हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो हम चलते हैं आज के ब्लॉग की ओर। फ्रेंड्स, आज अष्टमी है। अष्टमी इंडिया का पहला त्यौहार होता है जिससे बाकी त्यौहारों का प्रारंभ होता है। इसमें बहुत सारे लोग माता के उपवास रखते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, उनको देवी के रूप में मानते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। आज मेरे घर में भी अष्टमी मनाई जा रही है। मैंने चने बनाने के लिए सामान ले लिया है, ये मैंने हलवा बनाने के लिए सामान रखा हुआ है जिसमें देसी घी, सूजी, बादाम वगैरह सब हैं। मैंने ये पूरी के लिए दूध लिया है, साथ में पानी के साथ मैं इसको बनाऊंगी। ये हमारा जो प्रसाद है सूजी का बन गया है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं मैंने। आटा भी मैंने लगा लिया है पूरी के लिए, तो उधर तेल गरम हो गया है और चने जो हैं उनकी सीटी लग रही है वो भी तैयार हैं। पूरियां जो हैं बन के तैयार हो रही हैं और सारी जो पूजा की सामग्री है वो हमने रेडी कर ली है और बस पूरियां ही बाकी हैं जो मैं बना रही हूँ। अब आप देख सकते हो पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं क्योंकि इसमें मैंने दूध डाला हुआ है। दूध से जो पूरियाँ हैं वो क्रिस्पी बनती हैं। आप भी बनाना और बताना कैसी लगी। पूरियाँ जो अब हैं बनके तैयार हो चुकी हैं और हम अभी आपको पूजा के लिए ले चलते हैं। हम सारे फैमिली मेंबर्स ने मिलके माँ दुर्गा अष्टमी की पूजन किया और बाद में सभी ने प्रसाद को ग्रहण किया। पूजा के बाद हमने सांझी माता की भी पूजा की क्योंकि उसके भी नवरात्रों के व्रत चल रहे थे, तो आज उसका जो है 8वां नवरात्रि का व्रत जो है आज ख़त्म हो जाएंगे, तो आज उनको भोग लगेगा। देखो मैं उनको भोग लगा रही हूँ। आज जो है आखिरी आरती होगी रात में। आज 10वां नवरात्रा यानी कि दशहरे का दिन आ गया है। दशहरा भारत के लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन रावण को जलाया जाता है यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण जो था चार वेदों का ज्ञाता था, उसे चारों जो वेद थे कंठ थे। हमारे कुछ एरियो में रावण की पूजा भी की जाती है और उसके कहीं ना कहीं मंदिर भी बने हुए मिलेंगे आपको। रावण के मरने के का कारण जो था उसका अहंकार था। आज हमने सबसे पहले जौ जो कि निकाले जा रहे हैं, देखो ये जो जौ हैं वो सांझी माता के साथ जल प्रवाह के लिए लेके जाने हैं। और अभी जो है अभी मैं आरती के लिए आपको ले चलती हूँ।
चलो चलते हैं आरती के लिए। सांझी सांझी बटड़े कोल कुड़ियां आईया तेरे कोल पिंग पलंगड़ा की पाई लोड़ मैं सांझी पुछा तेनू कै तेरे पाई सत्रह भतीजे बीबी सोलह मेरे पाई सत्रह दाता व्या रचाया सोलह दी कड़माई मेरी सांझी दे आले दाले चौलां दी मुठी तू पहन कुड़े मेरी सांझी सोरे लियांदी गुत्थी तेरे बाप ने कड़ाई कराई वीरन मुल पुआई मेरी सांझी ता मंगती उच्चा उच्चा कोला मैं कित्थों दे आवां सांझी उच्चा उच्चा कोला वीरा ता मेरा गऊआं दा पाली मैं उत्थों ले आवां सांझी उच्चा उच्चा कोला मेरी सांझी ता मंगती छज पर गहने मैं कित्थों ले आवां सांझी छज पर गहने वीरा ता मेरा गऊआं दा पाली मैं उत्थों ले आवां सांझी छज पर गहने सांझीता मंगती लाल सूही चुनरी मैं इत्थों ले आवां सांझी लाल सूही चुनरी वीरा ता मेरा बजतियां दे बैठा मैं उत्थों ले आवां सांझी लाल सूही चुनरी सांझीता मंगती मन करण जुती मैं कित्थों ले सांझी मन करण जुती वीरा ता मेरा मोतियां दे बैठा मैं सांझी को उतारा जा रहा है। सांझी को उतारने के बाद नहर जा गांव के कोई भी टोपे में इसको विसर्जित किया जाता है। और अब मैं सांझी माता का जो मुकोटा है उसको उतार रही हूँ। अब ये जो दीवार होती है बाद में इसको साफ करके इस यहाँ पे गोबर का लेप किया जाता है और बाद में इसके ऊपर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर 5 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं और उसके बाद उस पर जौ टांगे जाते हैं और पूजा की जाती है। ऐसे ही मैंने सारी दीवार को अच्छे से पोत दिया है। अब मैंने पूजन के लिए 10 सिर बनाने हैं रावण के। देखो गोबर के मैंने 10 सिर बनाने, देखो बना रही हूँ मैं गोल गोल बनाकर। रावण के जो हैं 10 सिर बनकर तैयार हो गए हैं। देखो सांझी तारने के लिए हम नहर पर आए हैं और देखो जो जा रहे हैं हमारे और हमने यहाँ पे जो है पूजन किया है। हम सभी पारिवारिक मेंबर मिलकर दशमी का त्यौहार जो है मिलकर मना रहे हैं। जो हमने 10 सिर बनाए थे उनको देखो सजा दिया गया है फूलों से और जौ टांग दिए गए हैं और जनेऊ डाला है। ये रावण है और इसकी पूजना की जा रही है क्योंकि वो महान ज्ञानी था इसलिए उसकी पूजा अर्चना की जाती है। हमारे यहाँ दही और चावल का जो है प्रसाद बनाया जाता है। ये
ये दुर्गा माता का चांदी का रुपया है, पूजा में रखा जाता है इसको। जो प्रसाद बनाया है वो सब 10 सिर को अर्पण कर रहे हैं, प्रसाद दे लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं इनको। आजकल गन्ने नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ मूलियां ही रखी हैं, नहीं तो गन्ने भी रखते हैं साथ में, क्योंकि आने वाली जो फसल है वो गन्ना है। और जो हमारी जो फसलें होती हैं उनका भी जो पूजन किया जाता है हमारे यहाँ पे, अभी मूलियों का आगमन हुआ है तो मूलियां रखी हुई हैं। ये टीकाकरण हो रहा है सबका। पूजा अर्चना करने के बाद हम सांझी के पास जाएंगे, वहाँ पर भी हम पूजा करेंगे। और जोड़ टांगने की जो है तैयारी चल रही है यहाँ पे, जो हमने स्वास्तिक का निशान बनाया है वहाँ पे हमने पूजा अर्चना कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ब्लॉग है मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं, नए हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल के साथ, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और अब इसके बाद चलते हैं हम रावण दहन के लिए लिए बाहर। आपके रूबरू होंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।